तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे दो फंक्शन के प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे एक्स हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स आपका क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। एल्जेब्रिक फंक्शन सीक्वेंस में पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है। इसका मतलब एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे क्योंकि सीक्वेंस में पहले है, और इसे हम सेकेंड एज्यूम करेंगे। फिर बाई पार्ट का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये फाइनल हो गया डी एक्स। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, इसका इंटीग्रल टेन एक्स होता है क्योंकि टेन एक्स का ये डेरिवेटिव होता है, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव टेन एक्स हो गया। यहाँ एक्स का डी बाई डी एक्स वन हो जाएगा और ये टेन एक्स हो गया डी एक्स। और ये फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम एडजस्ट करके कर दे रहे हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है। अब देखिए ये क्या है, नीचे आपका कॉस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है ना, माइनस नहीं है, तो माइनस हमने मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस बाहर डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये आपका एफ एक्स हो गया, ऊपर एफ डैश एक्स हो गया, बाकी कॉपी कर लेते हैं, एक्स टेन एक्स। अब ये क्या हो गया आपका, लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स एंड प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, और ये हो गया आपका एक्स टेन एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर।